बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सदीक, आज एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो का टाइटल भी महंगाई ही है, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में अक्सरियत अवाम की महंगाई के हाथों तंग है, महंगाई की चक्की में पिस रही है। आए दिन हुकूमती पॉलिसियों और नित नए टैक्स लगाने से खुसूसन पावर सेक्टर पर, यानी बिजली पर और रोज़मर्रा अशिया की ज़रूरियात की अशिया पर टैक्स लगने से एक आम आदमी की कुव्वत अख़रीद में बेपनाह कमी हुई है, उसकी हकीकी आमदन बहुत कम हुई है, महंगाई बेकाबू हो रही है, आसमान को छू रही है। इसलिए इस पर बात करनी बड़ी ज़रूरी है और कुछ तजावीज़ भी दी जाती हैं ताकि हुकूमत वक्त और हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स और पॉलिसी मेकर्स इन तजावीज़ पर अमल करते हुए आवाम को कुछ न कुछ रिलीफ दे सकें। लेकिन बात यह है कि ये हुकूमत की इंटेंशन है, हुकूमत की अपनी ये मर्जी है। और हुकूमत चूँकि IMF के दबाव के तहत ये सारी महंगाई कर रही है, टैक्सेस आयद कर रही है। और ये टैक्सेस, याद रखिए, इनका जो बोझ है वो गरीब आदमी बर्दाश्त कर रहे हैं, अशराफिया और अमीर लोग यकीनन इसके असरात से बहुत महफूज हैं। महंगाई के पीछे दो किस्म की महंगाई होती है, एक को हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं और दूसरी को कास्ट पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जैसा कि नाम से जाहिर है, अशिया और खिदमात की डिमांड में इजाफे की वजह से। अब ये इजाफा क्यों होता है इकोनॉमिक्स में, इसके लिए फैक्टर्स हैं जिनको हम रियल फैक्टर्स कहते हैं। यानी जब हम नेशनल इनकम इकोनॉमी की आइडेंटिटी को देखते हैं तो नेशनल इनकम यानी GDP के चार कंपोनेंट होते हैं। नंबर एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और फॉरेन सेक्टर एक्सपेंडिचर यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ये रियल फैक्टर्स होते हैं। जब इनमें इजाफा होता है तो नेशनल इनकम बढ़ती है, और इनमें अगर कमी होती है तो नेशनल इनकम कम होती है। अब यकीनन हमारे यहाँ जो सिस्टम है, जो हमारा रिवाज है, जो कि हमारी कंस्पिशियस सोसाइटी है, पाकिस्तान में लोग चीज़ें खरीद कर खुश होते हैं, सेव करके खुश नहीं होते हैं। इसलिए और दूसरी वजह यह है कि जो डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है, जिसको इकोनॉमिक्स में एक इफेक्ट जिसको कहते हैं बैंड वैगन इफेक्ट, यानी देखा देखी लोग चीज़ें खरीदते हैं, ज़रूरत के तहत नहीं खरीदते हैं। बाज़ोबत अगर किसी के घर में कोई चीज़ आ जाती है तो पड़ोस में जो फैमिली है वो भी, और उसकी कोई ज़रूरत न भी हो, वो भी दौड़कर मार्केट से वो चीज़ खरीदने की कोशिश करती है, खौफ उसको उसके लिए कर्ज ही क्यों ना लेना पड़े। सो ये डिमांड पर इन्फ्लेशन है कि हम डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। अब अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है फिर तो कोई मसला नहीं है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा होते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर एक्सपोर्ट हमारी बढ़ती है तो कोई मसला नहीं है। इससे हमारी जो नेशनल इनकम है वो मल्टीपल टाइम ज़्यादा होगी। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हमारी कंजम्पशन जो है वो डिस्करेज हो रही है टैक्स आयद करने की वजह से, और दूसरे इम्पोर्ट जो है वो कहीं ज़्यादा है हमारी इम्पोर्ट के मुकाबले में, इसलिए जो महंगाई है उसमें बेपनाह इजाफा हो रहा है। और दूसरी जो है वो कास्ट पुश इन्फ्लेशन है, यानी चीज़ों की लागत जो मसारिफ है उनकी मसारिफ पैदाइश में इजाफा हो रहा है, यानी चीज़ें अब महंगी हो रही हैं। कैसे महंगी हो रही हैं? सबसे पहले कि जो टैक्स आयद किया जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस पर, उसकी वजह से वो चीज़ें जो महंगी हो जाती हैं और सार्फिन तक वो महंगी पहुँचती हैं। अब एक जो बड़ा कंपोनेंट है कॉस्ट पर इन्फ्लेशन का वो वेजेस है। इन वेजेस में जब इजाफा होता है तो अब जाहिर है कि जो वेजेस तो में इजाफा तो नहीं हो रहा, किसी तौर पर भी नहीं हो रहा, लेकिन अशराफिया की जो मराहत है उनमें इजाफा हो रहा है, लेकिन उनकी जो मजमू डिमांड है वो जो कमज़ोर तबका है, जो गरीब तबका है, उसकी डिमांड के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है।
अब इसलिए जो कास्ट पर इन्फ्लेशन है उसके मेन कंपोनेंट जो होते हैं वो वेज है और उसके बाद सप्लाई है। अब सप्लाई कम हो रही है, हर चीज़ की सप्लाई कम हो रही है जितनी उसकी डिमांड है, नतीजतन महंगाई में इजाफा हो रहा है। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो महंगाई में इजाफा होता है इसमें कुछ अनहोनी किस्म के फैक्टर्स भी हैं, क्योंकि यहाँ जो इन्फ्लेशन की किस्म है उसको हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन जैसे एक स्टैक इन्फ्लेशन होती है, स्टैक इन्फ्लेशन का ये मतलब होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी और महंगाई भी एक ही सिमत में जा रही होती है, हालांकि दोनों का उलट रिश्ता है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो महंगाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है और साथ साथ महंगाई भी बढ़ रही है। उसकी बुनियादी वजह क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए गवर्नमेंट इंटरनल और एक्सटर्नल बार्गेनिंग कर रही है, एक तरफ तो गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट है और दूसरी तरफ बार्गेनिंग हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर रोजमर्रा की बुनियाद पर लोन ले रही है जिसकी वजह से, और दूसरा कि डेफिसिट फाइनेंसिंग कर रही है यानी नए नोट छाप रही है, उन नोट छापने की वजह से आए दिन महंगाई में इजाफा हो रहा है। तो ये कुछ मुख्तसर से फैक्टर्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई में इजाफा हो रहा है। इस पर मज़ीद बात करेंगे लेकिन अगली वीडियो में। थैंक यू।